foreign city. Yeah, my hobbies are dancing, singing and traveling. Traveling मुझे बहुत पसंद है. मेरा फिल्म इंडस्ट्री में आना, मैं बचपन से देखती थी सीरियल्स, मूवीज, मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी वहाँ दिखना चाहिए. फिर मैंने अपने पापा से बात की कि पापा मुझे भी यहाँ जाना है. एंड ही वाज लाइक, हाँ तुम हो सुंदर. मैंने भी कहा या मैं सुंदर हूँ. तो देन पापा ने मुझे अप्रोच किया कि तुम आगे ये करो, लाइक आगे बताओ. फिर मैं मुंबई आई, फिर मैंने 2 दिन प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया. उन लोगों को मेरी प्रोफाइल फोटोज बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने यहाँ से अपनी मॉडलिंग और एक्टिंग स्टार्ट की. माय फेवरेट एक्टर इज सुशांत सिंह राजपूत. वो कितने चबी थे, उनके हेयर्स एंड उनका आउटलुक, आउटफिट जो भी था वो बहुत प्यारा था. मुझे तो बहुत पसंद आता था. उनकी फर्स्ट मूवी थी कायपोचे जो मुझे बहुत पसंद है, और उनकी लास्ट मूवी दिल बेचारा जो सबसे ज्यादा हिट हुई थी. काश मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता. माय फेवरेट एक्ट्रेस इज श्रद्धा कपूर. उनका आउटफिट, उनका एयरपोर्ट लुक और ऑल ओवर ABCD में उन्होंने जो डांस किया वाज इनक्रेडिबल. मैं भी उनके जैसा डांस करना चाहती हूँ, उनके जैसे पॉपुलर होना चाहती हूँ और मुझे एक बार उनके साथ काम भी करना है. मेरा फेवरेट एक्टर, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, बट मैं भी यहाँ एक्ट्रेस बनने आई हूँ. सो मुझे रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद है और महेश सर की फिल्म, ओ माय गॉड, अगर मुझे महेश सर के साथ कभी काम करने का मौका मिला तो मैं कभी मिस नहीं करूँगी, बिकॉज उनकी रोमांटिक फिल्में और अदर उनकी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं. और रोमांटिक फिल्मों में वो जैसे फिल्में बनाते हैं वैसे फिल्में कोई नहीं बनाता. सो अगर मुझे कभी भी चांस मिलता है महेश भट्ट सर के साथ काम करने का तो श्योर मैं तो पक्का करने वाली हूँ. फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरा के सामने गई थी, आई वाज लाइक मुझसे तो नहीं होगा ये सब. इतना सारा सेटअप देख के मैं कंफ्यूज हो गई थी. बट वहाँ पे एक सर थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की. उन्होंने मुझे करके दिखाई चीजें, लाइक तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा कर सकती हो. और फिर मैंने शुरू किया धीरे धीरे. एक दो बार गलत भी हुआ बट स्टिल मैंने शुरू किया और फिर जो लास्ट लॉन्ग हुआ वो अच्छा हुआ. लाइक मैंने पूरा कंप्लीट किया और अच्छे से कंप्लीट किया. मेरा डेली रूटीन रिगार्डिंग एक्टिंग, मेरा मॉर्निंग से शुरू होता है योगा. योगा के बाद मैं मिरर में अलग अलग फेसेस बनाती हूँ जस्ट फॉर फन एंड जस्ट फॉर एक्सरसाइज, फेस एक्सरसाइज. फिर उसके बाद मुझे बुक रीडिंग बहुत पसंद है क्योंकि उससे हम लोगों का जो रीडिंग स्किल होता है या एक्टिंग स्किल या खुद को रिप्रेजेंट करने का स्किल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है. देन डांस प्रैक्टिस, वो मस्ट है. इफ आपको फिट रहना है, योगा, डांसिंग, जिमिंग, ये सारी चीज़ें मस्ट है. मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ अपने डेली रूटीन में टू इम्प्रूव माई एक्टिंग स्किल्स. मैंने यहाँ ऐसे स्टार्ट किया है, लाइक मेरा एक अमेजोन शूट हुआ है और मेरे सीरियल्स, टीवी एड्स, ये सब शूट हुए हैं. और अभी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, एक मराठी सीरियल का प्रोजेक्ट है जो अभी जस्ट कोरोना खत्म होने के बाद हम लोगों का वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है. और 2-3 और प्रोजेक्ट्स है जिसपे हम लोगों की बात चल रही है. तो होप कि जैसे कोरोना खत्म होता है हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो, मैं आप सबको दिखूँ फिर से. जो भी फ्रेशर्स है जो ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगी कि अपने आप को उतना प्रिपेयर करो कि अगर आप किसी के सामने जाते हो तो वो आपको रिजेक्ट ना कर सके. अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, अपना रीडिंग बढ़ाओ, जिमिंग ज्वाइन करो, फिट रहो. और आप पे कौन सा कैरेक्टर सूट करता है, आप किस कैरेक्टर में फिट बैठते हो, आप ये देख के अपना प्रॉपर जो भी आप कर रहे हो वो आप करो. और एक प्रॉपर वे से जाओ. लाइक आप बिगनर्स हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पता नहीं होती है, जो आपके लिए बहुत न्यू होती है. तो आप वो सीखो और अपना 100% दो, तो जिससे लोग भी आपको पसंद करें. जो एक सक्सेस मंत्रा होता है इंडस्ट्री में आने का या आगे टिकने का, उस हार्ड वर्क. आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप अपना कितना 100% दे रहे हो, लोग वही देखेंगे. और लोग आपको तब पसंद करेंगे जब आप कैरेक्टर फील करोगे. जब तक आप कैरेक्टर फील नहीं करोगे वो कैरेक्टर आएगा ही नहीं. सो एक ही चीज है, आप हार्ड वर्क करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल जो भी है आपका वो डेवलप करो एंड देन यू गिव योर 100%. सो ये मैं मेरा शूटिंग और मेरा जो भी ये है स्टडीज का वो मैं एक साथ मैनेज कर रही हूँ बिकॉज मेरा अभी 12th कम्प्लीट हुआ है और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ BBA की मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ.
और मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रहती है, लाइक मैं यहाँ रहती हूँ और फैमिली वहाँ रहती है, तो होता है लाइक टाइम मैनेज करना पड़ता है स्टडीज़ के लिए, एक्टिंग के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। तो वो इतने सपोर्टिव है कि वो लाइक वो आके मुझसे मिल लेते हैं, मैं नहीं जा पाई तो हो जाता है मैनेज। इफ आप करना चाहो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कुछ ऐसा है, मैंने जस्ट 12th पास किया है, मैं एक BBA स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर BBA स्टूडेंट, और मेरी फैमिली मुझसे बहुत दूर रहती है। सो इफ यहाँ का शेड्यूल मैनेज करके पेरेंट्स से मिलने जाना होता है, वो हर बार पॉसिबल नहीं होता। एक एक साल ऐसा हो जाता है कि हम लोग मिल नहीं पाते, बट पेरेंट्स उतने अंडरस्टैंडिंग है कि वो आके मुझसे मिल लेते हैं या जो भी है। इफ आप में वो गट्स है तो आप हर चीज मैनेज कर सकते हो, लाइक योर स्टडीज और एनीथिंग, योर एक्टिंग, योर पेरेंट्स वगैरह, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो इफ आपको आप करना चाहो तो। मेरा इंडस्ट्री में आने का एक ही ये था कि मैं एक ऐसी पॉपुलर एक्ट्रेस बनूं जिसे सब हर कोई लाइक करे, और मैं अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करना चाहती हूँ, और मुझे लाइक महेश सर डायरेक्टर हो और अमिताभ सर हम लोगों के साथ काम करें। तो बस वही मुझे ऐसा कुछ बनना है कि ताकि लोग मुझे देखें, मुझे पसंद करें। इंडस्ट्री में मैं एक ही कहूँगी, इफ आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप वो सही जगह इन्वेस्ट करो ताकि आपका जो भी आउटकम है वो अच्छा है, और आप स्क्रीन के सामने जो भी हो वो आप अपना 100% दो वहाँ इन्वेस्ट करके। मुझे अलग अलग फेसेस बनाना बहुत पसंद है, लाइक मैं मिरर के सामने भी बनाती हूँ, तो मैं आपको 2-3 ऐसे फेसेस दिखाती हूँ जो आपको पसंद आएंगे। ये मेरा फर्स्ट फेस हुआ।